सो ही गाइस बैक विद सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। सो आफ्टर इंडिया राइजिंग 2022 स्टार्ट हो गया है एंड इसका डे वन एंड भी हो गया है एंड ओवरऑल रैंकिंग में आफ्टर डे वन एंड सोल अभी हैशटैग 15 पे है विद 21 पॉइंट्स एंड एक्सो अभी टॉप पे है विद 87 पॉइंट्स एंड रिमेंबर ये अभी सेमीफाइनल चल रहा है सो चिल करो, कोई भी हेट कमेंट नहीं करेगा। तो अब आते हैं मैच की तरफ। सोल ने लास्ट मैच में ड्रॉप फाइट हुआ था मिरामार के पिकाडो में, वो फाइट में क्या हुआ वो आप आगे देख सकते हो। एंड हाँ, BMOC जो कि बैटल ग्राउंड मोबाइल ओपन चैलेंज है, इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपको ऑफिशियल ट्रेलर BGMI के चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अब आते हैं मैच की तरफ। जो ड्रॉप पैच देने वाली टीम थी वो शायद दूसरे ग्रुप में थी, लेकिन शायद नहीं, यहाँ पे LZDC ग्रुप में और R98 के साथ स्टार्ट मिले गया है एक्सो को, ऑलरेडी R98 के साथ बाहर कर दिया गया है। What was that? I mean, शुरुआत करी गई, but वही शुरुआत का reply भी दिया गया। Oh my god! हेक्टर को टेक डाउन था, ओमेगा यहाँ पे उसी के साथ आते हैं, हॉट साइड को यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है अक्षत वीनो के, ओमेगा क्या करेंगे खत्म। बट अभी के लिए बहुत ही ज्यादा एक खराब सिचुएशन बन चुकी है, दो प्लेयर्स को यहाँ पे बैक टू बैक खत्म करने की कोशिश। ओमेगा इज टॉकिंग विद एलजी प्लेयर्स, नो ही इज नॉट टॉकिंग एनीमोर, इट्स टाइम टू स्पीक विद दिस वेपन। एंड यहाँ पे जो लास्ट वन स्टैंडिंग मॉक्स आने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, गोब्लिन की एचपी काफी ज्यादा यहाँ पे लो हो चुकी है, थोड़ा संभालना पड़ेगा। क्लच आउट मॉक्स भी कर सकते हैं टीम सोल को, देखना पड़ेगा क्या फाइट यहाँ पे आती है। मॉक्स ने पोजीशन निकाल ली है, ओमेगा की हेलमेट यहाँ पे नहीं है, दे हैव टू बी केयरफुल, सोल के प्लेयर्स की एचपी काफी ज्यादा कम, रिवाइवल की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, हेलमेट नहीं है, वेस्ट नहीं है, ओमेगा अपनी यूजी के साथ कोशिश जरूर करने वाले हैं। बट मोक्ष अगर उनको अटैक करना है तो अभी अटैक करना है, जितनी वो देर से करेंगे उतनी मुश्किलें बढ़ेंगी, बिकॉज टीम सोल के प्लेयर्स अपने आप को रिवाइव करते नजर आएंगे। जरूर आ रही होगी ओमेगा के ऊपर भी थोड़ा सा डैमेज जरूर दिया, एक 1v3 सिचुएशन एंड टीम एलजी ट्राइंग टू सर्वाइव। क्या मोक्ष यहाँ पे आगे जाने वाले हैं, गोब्लिन को रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, अक्षत का क्या सर दिख रहा है यहाँ पे, हेलमेट उनके पास भी नहीं, कहीं जाएगी, मोक्ष पीछे जा चुके हैं, ओमेगा के ऊपर जाना पड़ेगा। मोक्ष ग्रेनेडियर जरूर बन चुके हैं, बट एक प्लेयर बहुत तकलीफ, गोब्लिन नीचे जाते गिरेंगे, नॉक होंगे, पता था मुझे नॉक होंगे, यही हुआ वहां पे। मोक्ष अभी भी तकलीफ में डालते हुए, एडवांटेज उनके पास जरूर जा चुके हैं, ओमेगा के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवाइव करेंगे क्या, बेट आउट कर सकते हैं इनको, ये सवाल भी बन जाता है। बट हीलिंग्स नहीं है, बैंडेजेस है, मोक्ष नीचे जाएंगे, ओमेगा को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अक्षत यू हैव टू डू समथिंग नाउ, ओमेगा नॉक हो गए, बट अक्षत द सेवियर फॉर टीम सोल, फाइनली एक बैटल जो इतनी देर नहीं खिंचनी चाहिए थी खिंची, लेकिन इन द एंड इट। तो कैसे लगा आपको सोल का ये 4v4 ड्रॉप फाइट, मुझे कमेंट करके बताना। तो बस आज के वीडियो को बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोल के तोड़फोड़ एंड अपडेट के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप प्लेइंग कीप सपोर्टिंग, बाय।